हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। इस वीडियो में मैं बात करूंगा म्यांमार के वीजा के बारे में। तो गाइस, म्यांमार हमारे लिए ई वीजा, वीजा अराइवल भी देता है, बट ये ई वीजा और वीजा अराइवल के बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। तो पहले मैं बात करूंगा कि वीजा आप एम्बेसी से कैसे ले सकते हो। तो गाइस, मैंने एम्बेसी से दो बार लिया है वीजा म्यांमार का। एक बार लिया मैंने कम्बोडिया से और एक बार मैंने लिया है इंडिया से। सबसे बड़ी जो इंडियंस में काफी मिथ होती है, काफी लोग मुझसे ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या आप किसी कंट्री पे टूरिस्ट वीजा पे अप्लाई कर सकते हो वीजा, या आप अप्लाई कर सकते हो। सो, जब मैं कंबोडिया में था टूरिस्ट वीजा पे, मैंने म्यांमार का वीजा अप्लाई किया था। उसके अलावा जब मैं मंगोलिया में था तो मैंने अप्लाई किया था कजाकिस्तान का वीजा। जब मैं कजाकिस्तान में था तो मैंने अप्लाई किया था रशिया का वीजा। तो आप एक कंट्री में टूरिस्ट रहते हुए भी वीजा अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे कंट्रीज जो कि अलाउ नहीं करती, लाइक यूरोप का वीजा आप अप्लाई नहीं कर सकते किसी अलग दूसरे कंट्री से, आपको होम कंट्री से ही अप्लाई करना होगा। बट सारे कंट्रीज के लिए नहीं होता, तो स्पेशली जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री नहीं है, जो कि काफी रिच कंट्री नहीं है, वो अलाउ कर देती है। तो बात करता हूँ म्यांमार के वीजा के बारे में। मैंने जो कंबोडिया में अप्लाई किया था या तो फिर मैंने इंडिया में अप्लाई किया था, मैंने दो बार अप्लाई किया था, वही क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़े थे। तो भाई काफी सिंपल है म्यांमार का भी वीजा, सिर्फ देना पड़ेगा आपको वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको एम्बेसी में मिल जाएगा, उसको फिल करके आपको भर देना है। फोटो चाहिए 3.5x2.5 सेंटीमीटर। ये जनरली आप मान के चलो ये नॉर्मल वीजा फोटोग्राफ होते हैं। आपको पे करना पड़ेगा $40 वीजा फी है। अगर आपको सेम डे आधे घंटे में चाहिए वीजा तो आपको देना पड़ेगा $10। मैंने दोनों बार वीजा लिया था आधे घंटे में और मैंने पे किए थे $50। सो $10 एक्स्ट्रा फी है सेम डे वीजा के लिए। ये थी हमारी म्यांमार की वीजा की इन्फॉर्मेशन, जो कि काफी आसान है, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो जहां भी म्यांमार की एम्बेसी है। तो गाइस, म्यांमार ने हमारे लिए ई वीजा निकाला है और ई वीजा में भी डॉक्यूमेंट सेम ही है टोटली। और वीजा फी ई वीजा की है $50, जो कि एक्स्ट्रा है $10, और आपको टाइम लगेगा 3-4 दिनों। तो अगर आप कोलकाता या दिल्ली से या कहीं से भी हो, तो आप अगर आपके शहर में म्यांमार की एम्बेसी है तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि आप जाके एम्बेसी में वीजा लो, आराम से आधे घंटे में वीजा मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। आपके पासपोर्ट पे एक स्टिकर वीजा भी लगेगा। उसके अलावा कोई होटल बुकिंग की जरूरत नहीं होती, मैंने किसी बार नहीं दिया था, नो फ्लाइट टिकट फॉर ना एम्बेसी में ही और ना, और शायद मुझे नहीं पता ई वीजा के बारे में क्योंकि मैंने ई वीजा चेक नहीं किया है। ई वीजा की जो फी है $50 है, हमारे लिए वीजा अराइवल भी है, बट वीजा अराइवल सिर्फ वैलिड है बाय एयरपोर्ट। तो सिर्फ यंगून या कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में फ्लाई करोगे तो ये आपको वीजा अराइवल मिलेगा, उसके अलावा कहीं वीजा अराइवल नहीं मिलेगा। और काफी आसान है म्यांमार, ओ माय गॉड, म्यांमार काफी फ्रेंडली कंट्री है, डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा। अगर आप थाईलैंड जा रहे हो तो भैया म्यांमार की तरह जाओ, रोड का एक्सपीरियंस भी अच्छा गजब का रहेगा। और म्यांमार के लोग यार काफी फ्रेंडली, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट कंट्री है म्यांमार। मैं अभी तक 16 कंट्री जा चुका हूं और 16 कंट्रीज में म्यांमार रियली वन ऑफ माय फेवरेट कंट्री है। म्यांमार में फूड भी काफी ज्यादा सस्ता है और फूड हमारी कुछ इंडिया की तरह ही है, चावल वगैरह सस्ती मिल जाती है, चाय वगैरह मिल जाती है, ₹4-5 की चाय मिल जाती है वहां पे इंडियन करेंसी में। तो म्यांमार इज रियली नाइस ऑप्शन। बगान की टेम्पल्स क्या देखने जाओ या आप यंगून की चहल पहल, वाह यार, सारे कुछ में म्यांमार लेक नेक्स्ट लेवल है। म्यांमार में साउथ ईस्ट एशिया में मेरी सबसे फेवरेट कंट्री लगी। और जो उसका सबसे बड़ा रीजन है वहां के लोग, वहां की स्माइल, आप जहाँ वहां की जो स्माइल है ना यार, लाइक दुनिया की यूनिक स्माइल है। सारे लोग इतने स्माइली होते हैं, देख के हंसते हैं, जो स्माइल देते हैं ना वो बात अलग है म्यांमार की। तो म्यांमार डेफिनेटली एक नाइस कंट्री है। और वीजा के बारे में मैंने बता ही दिया, कोई हार्ड वीजा नहीं है, आप वीजा अराइवल भी ले सकते हो एयरपोर्ट के थ्रू। बस यही गाइज इस वीडियो में, गाइज इतना ही। और कोई क्वेश्चन हो म्यांमार, थाईलैंड वीजा या लाओस वीजा या जहां जहां मैं गया हूं आपको पता हो, मैं बता दूं कौन कौन से कंट्री अभी तक जा चुका हूं। इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, चाइना, मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, कल जाने वाला हूं उज्बेकिस्तान, उसके अलावा जा चुका हूं मलेशिया, भूटान, नेपाल, कंबोडिया, वियतनाम। तो ये सारे कंट्रीज में जा चुका हूं। अगर इस कंट्रीज में कोई वीजा की इन्फॉर्मेशन जानना हो या फिर कुछ भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो गाइज, बाय बाय, इस वीडियो में इतना ही।